अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं की अगली एपिसोड के बारे में देखेंगे कि किस तरह ज़ारा के वालदेन ने सारा इल्ज़ाम उस पर डाल देते हैं और उसे बताते हैं कि अगर एक बाप के लिए उसकी बेटियाँ उसकी कमज़ोरी बन जाती हैं तो वो बाप उसके सामने अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो दोस्तों, आप आगे देखेंगे कि ज़ारा ने कई बार अपने वालिद और घर वालों को समझाने की भरपूर कोशिश की कि वो जैसा सोच रहे थे, लेकिन कोई भी उनके ख्यालात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और वो उसके साथ वाले घर में जाकर कहती है कि इस लड़के ने मेरी दोनों बहनों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी है और वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं। तो अली ने ये धमकी दे दी उसे कि अगर मैंने तुम्हारी बहन की ज़िंदगी तबाह कर दी तो तुम्हें उसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो वहीं पर ही सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती है। तो वो अपनी बीवी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने होश व हवाश में तलाश करता हूँ, और उसकी सांस उसे खामोश कर देती है और उसके सामने हाथ जोड़कर वो अपने बेटे से ये कह रही होती है कि आपसे कि आप राज़ी हो जाएँ और मैंने जो कहना चाहा वो ज़ारा के रिश्ते की खातिर कह दिया था। अगर आप राज़ी हैं तो आपके और हम सब के लिए ये बेहतर होगा, लेकिन कोई ज़ारा इस बात पर राज़ी होने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों। तो आप आगे देखेंगे दूसरी तरफ साथ दोनों एक दूसरे से शादी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि अदील अभी तक ज़ारा के दिल में है और साथ को अभी तक दिल से प्यार करती है और उसके साथ घर बसाने के लिए सपने देखती रहती है और अपनी बहन को अपनी दुश्मन समझता है। और ज़ारा की वजह से ही साथ को जीनी से मंगनी करने पर राज़ी किया जाता है। तो दोस्तों, आप आगे देखेंगे कि हमें ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो जी दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं का रिव्यू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल फहद रिव्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करते चले जाएं। तब तक के मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।